रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग ये बताता है कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, वाइट लाइट जब आती है या कोई भी लाइट अगर आती है और उसके आगे कोई पार्टिकल आ जाए जिसका साइज, पार्टिकल का साइज उस लाइट की वेवलेंथ के ऑलमोस्ट बराबर हो तो लाइट स्कैटर हो जाती है। बड़े पार्टिकल्स अगर रास्ते में आते हैं उससे लाइट स्कैटर नहीं होती, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज जिससे लाइट टकरा रही है और पार्टिकल की वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम साइज की हो तो स्कैटरिंग स्टार्ट हो जाती है। स्कैटरिंग का मतलब लाइट का बिखरना, बिखरना सात रंगों में टूटना नहीं। सात रंगों में टूटने को तो डिस्पर्शन बोलते हैं, यहाँ सात रंग में नहीं टूट रहा, इसके अंदर क्या हो रहा है, बिखर रही है लाइट। अब हो क्या रहा है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, लाइट कितनी बिखरती है पार्टिकल से टकरा के, वो किस पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 4 है। जिस भी लाइट का कलर की वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। क्लियर है यहां तक? तो ये लॉ ये बताता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि स्काई जो है वो नीला क्यों है, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है। अब क्योंकि होता क्या है, सात रंग व्हाइट लाइट आ रही है सन से, हमारा एटमॉस्फेयर रास्ते में आ गया, एटमॉस्फेयर का मतलब वो प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, डिस्पर्शन हो जाएगी, इट्स अ डेंसर मीडियम, सात रंगों में लाइट टूट जाएगी, सात रंगों में लाइट टूटेगी मतलब इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। अब वो बिखरेगी भी क्योंकि उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। अब होगा क्या, जब लाइट स्कैटर होगी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो छोटी होती है वो ब्लू या वॉयलेट की होती है। ब्लू वॉयलेट की फैमिली एक फैमिली है, ब्लू वॉयलेट इंडिगो ये एक फैमिली है, येलो ऑरेंज रेड ये एक फैमिली है, तो दो फैमिलीज होती हैं इस कलर में। तो इसमें वॉयलेट या ब्लू की वेवलेंथ बहुत कम होती है, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। रेड की जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। अब सात रंग आए, सातों बिखर गए, अब सबसे ज़्यादा कौन बिखरेगा, स्कैटर कौन होगा, ब्लू। ब्लू स्कैटर हो जाता है बहुत ज़्यादा, ब्लू इंडिगो और ये सब वॉयलेट, और ये जो बाकी कलर्स हैं उनको दबा देते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी कलर दिखते नहीं हैं, होते हैं, पर ब्लू इतना स्कैटर हो जाता है, इतना फैल जाता है कि वो बाकी कलर को दबा जाता है, तो हमें दिखना बंद हो जाते हैं बाकी कलर और हमें स्काई क्या नज़र आता है, ब्लू। होते सात के सात कलर स्कैटर हैं पर सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी है, ब्लू की। तो देखो नेचर कितनी बड़ी है, ब्लू स्काई कितना बड़ा है। अब नेक्स्ट है, सुबह और शाम सन जो है उसके, जब सनसेट है या सनराइज है तो उसके अंदर क्या होता है, रेड या ऑरेंज कलर का स्काई दिखता है। शाम को ब्लू दिखता नहीं है, बहुत ब्लू नहीं दिखता, फीका हो जाता है। क्या रेड अब स्कैटर करेगा ज़्यादा, नहीं, रूल तो वही है, ब्लू की वेवलेंथ सुबह शाम दिन के अंदर भी कम ही है, स्कैटरिंग ब्लू की ही ज़्यादा है, लेकिन सुबह और शाम सन की लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और दिन में कम करना पड़ता है। स्कैटरिंग सुबह और शाम दोनों में और दिन में भी ब्लू की ही ज़्यादा है। यहाँ पे स्कैटरिंग इस तरीके से हो रही है कि ब्लू क्लियर दिख रहा है, बाकी कलर दब रहे हैं। यहाँ पर इतना रास्ता ट्रेवल करने पे स्कैटर कर करके इतनी स्कैटरिंग हो जाती है कि ब्लू कलर बिल्कुल फीका ही पड़ जाता है, क्योंकि स्कैटरिंग ब्लू की बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और रेड और ऑरेंज की स्कैटरिंग हो नहीं पाती, तो आपको लाइनें नजर आती हैं, अनस्कैटर्ड लाइट्स, क्योंकि वो स्कैटरिंग फैलता तो है नहीं रेड कलर, तो रेडिश लाइनें नजर आती हैं क्योंकि उसकी स्कैटरिंग सबसे कम है। तो ये नहीं दिखना कि यहाँ स्कैटरिंग रेड की नज़र आती है, नहीं, स्कैटरिंग दोनों केस में ब्लू की ही ज़्यादा है, इसमें कुछ ज़्यादा ही है कि वो फीका ही पड़ गया, इसमें ऑप्टिमम है कि आपको ब्लू नज़र आता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ब्लू की स्कैटरिंग से क्या इफेक्ट आता है और रेड की स्कैटरिंग सबसे कम है। और नेक्स्ट जो है, जो वाइट, जो कई क्लाउड्स आपको वाइट कलर के नज़र आते हैं, वाइट क्लाउड्स हैं। अब वाइट इसलिए है क्योंकि वो क्लाउड्स बने हुए हैं कोई डस्ट पार्टिकल या पानी के पार्टिकल से, पानी या डस्ट के पार्टिकल का साइज उसमें काफ़ी बड़ा होता है। जब लाइट, वाइट लाइट उन पर टकराती है तो साइज इतना बड़ा है कि उनकी स्कैटरिंग नहीं हो पाती, क्योंकि स्कैटरिंग का पहली कंडीशन क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट और पार्टिकल का साइज ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर बराबर हो नहीं पाता, स्कैटरिंग हो नहीं पाती, वाइट लाइट आती है, वाइट की वाइट वापस आ जाती है, क्लाउड हमें वाइट नज़र आता है, वाइट क्लाउड का मतलब है स्कैटरिंग नहीं हो पा रही। और लास्ट है, कहीं पर भी जाओगे रेड कलर जो है वो हमेशा डेंजर सिग्नल यूज़ किया जाता है, ट्रेन को रोकना है रेड कलर की लाइट है,
सारी गाड़ियां जितनी भी बनती हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे रेड कलर ही यूज़ करते हैं, ब्रेक की लाइट है जो डेंजर लाइट है कि भाई ब्रेक है, ब्रेक चली तो रेड है, क्यों हरे रंग की ब्रेक नहीं हो सकती, क्यों पीले रंग की ब्रेक नहीं होती, क्यों? क्योंकि जिसने ब्रेक लगाई वो दूर से दिखनी चाहिए, या किसी ट्रेन को रोकना है तो कलर दूर से दिखना चाहिए और वो रेड ही है, क्योंकि रेड बहुत दूर से अगर लाइट आ रही है वो स्कैटर नहीं होगा, बाकी कलर बहुत डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, रेड कर पाएगा, उसकी स्कैटरिंग लो है, जिस वजह से रेड रेड जो है वो सिग्नल यूज़ किए जाते हैं एज अ डेंजर सिग्नल। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें?